हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दें बजट के हवाले से। बजट वफाकी तरक्याती बजट के हकीकी अदादोशुमार और वजारतों को फंड्स की एवेलेशन बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट की मद में 925 अरब रुपये मुख्तस करने की तजावीज़ सामने आई हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा, बताइएगा बजट आज किस वक्त पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज बजट जो है 5 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट की बात में 925 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो दस्तावेजात का हिस्सा है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में 675 अरब रुपये PSDP जबकि 250 अरब रुपये मुतबादल ज़राए के खर्च के लिए रखे गए हैं। वफाकी वजारतों का कुल तरक्याती बजट 371 अरब 34 करोड़ रुपये रखा गया है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीजन के लिए 13 अरब 37 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। दस्तावेजात में बताया गया है कि KP में जम किए गए 10 साल फाटा डेवलपमेंट प्लान के लिए 22 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। NHA का तरक्याती बजट 155 अरब रुपये मुख्तस किया गया है। वजीर आजम यूथ हुनरमंद इकदाम के लिए 10 अरब रुपये के तरक्याती बजट की तजवीज़ है। बिजली मनसूबों के लिए NTDC पेपको का तरक्याती बजट 42 अरब 29 करोड़ रुपये रखा गया है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपये का तरक्याती बजट दस्तावेजात का हिस्सा है। इरा के लिए 5 अरब रुपये रखे जाने की तजवीज़ है। IDPs की बहाली और सिक्योरिटी के लिए 65 अरब रुपये के तरक्याती बजट की तजवीज़ है। बैलेंस सूबाई हमांगी वजारत के लिए 33 करोड़ 99 लाख रुपये का तरक्याती बजट जो है वो दस्तावेजात का हिस्सा है। कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44 अरब 69 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट जो है वो तजवीज़ किया गया है। कानून और इंसाफ की वजारत के लिए 1 अरब 24 करोड़ रुपये का तखमीना रखा गया है। मैरीटाइम अफेयर्स का बजट 3 अरब 90 करोड़ रुपये रखा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन के लिए 13 करोड़ 52 लाख रुपये रखे जाने की तजवीज़ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रुपये के तरक्याती बजट की तजवीज़ रखी गई है। कौमी तारीखी और तालीमी विरासत वजारत के लिए 12 करोड़ 30 लाख रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ जो है वो इस बजट का हिस्सा है। आज ये इजलास जो है कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे है, जबकि वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में वफाकी बजट 19-20 जो है वो पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की मंजूरी आज देगी। माली साल 2019-20 का वफाकी बजट, उसमें जो मेजर खदोखाल हैं जो हमारे पास बोल के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं, उसके मुताबिक बजट का मजमूई हजम 6,800 अरब रुपये से जायद होगा। बजट खसारा 3,000 अरब से जायद रखा गया है। दफा के लिए 1,250 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और इसके साथ साथ कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 2,500 अरब रुपये से जायद की रकम रखी गई है। वफाक के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 925 अरब रुपये रखे गए हैं। FBR की टैक्स वसूलियों के हदफ 5,550 अरब रुपये रखा गया है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 1,250 अरब रुपये लगाया गया है। 1,400 अरब रुपये के करीब टैक्सेस वसूलियों में इजाफा किया जाएगा। 760 अरब रुपये से जायद के टैक्स भी लगेंगे। चीनी पर सेल टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ है। मिडल मैन की आमदन पर इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अपोजिशन है उन्होंने भरपूर एहतजाज का फैसला आज किया है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को बजट पेश करने में मुश्किल से जो है वो दो चार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी वजह की है। उन्होंने अपने तमाम अरकान और इत्तेहादी जमातों के अरकान को हदायत की है कि वो किसी सूरत भी किसी जो एहतजाज है उसका मुकाबला ना करें, ना वो अपोजिशन के शोर शराबे को कोई अहमियत दें। बल्कि उन्हें कहा गया है कि आज जो उन्हें माइक फराहम हेडफोन फराहम किए जाएंगे वो उनको कानों पर लगाएं। वज़ीर आज़म समेत मशीर खजाना हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे और अपोजिशन के शोर शराबे की जगह मशीर खजाना अब्दुल रफी शेख की बजट तकरीर सुनेंगे और यही आज की प्लानिंग है। इस हवाले से खसूसी इजलास जो काबीना का है उसमें भी तमाम इत्तेहादी अरकान को और पार्टी के जो PTI के मेम्बर कौमी असम्बली हैं उनको ये जो बजट के हवाले से स्ट्रेटजी है ये पेश कर दी जाएगी।
تمام اراکین قومی اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جائے گا اس کے چند جو منٹ ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ بجٹ جو ہے وہ سینٹ میں بھی آج پیش کر دیا جائے گا, کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی آج شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے اور صدر پاکستان عارف علوی نے یہ اجلاس طلب کیا ہے. ادھر بھی جب ہی جو ہی بجٹ جو ہے وہ لے کر دیا جائے گا اس کے بعد دونوں اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, غلام مرتضیٰ اپڈیٹ کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے. آج بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے شام میں, بہت شکریہ آپ کا.